सहारनपुर की थाना जनकपुरी एवं आबकारी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, दो शराब तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब व नक्सी बरामद। एसपी सिटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी एवं आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान एक डस्टर गाड़ी को पकड़कर चेक किया। गाड़ी के अंदर से 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 1,31,000 रुपया, 2 मोबाइल, 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई। ये थाना जनकपुरी पुलिस ने दो साथी शराब तस्कर पकड़े हैं, जिनके पास से आप देखेंगे तो 10 पेटी अवैध शराब मिली है। ये चंडीगढ़ से लाए थे। इनके पास से नकद रुपया भी मिला है, 1,31,000 से ज़्यादा है। इनके दो मोबाइल फ़ोन, एक डस्टर कार मिली है, फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं। ये वहाँ से चंडीगढ़ से शराब को ला के यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बेचते थे ज़्यादा दामों पे, वहाँ से तस्करी करके लाते थे। एक सटीक सूचना के आधार पर जनकपुरी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और ये गुड वर्क किया है। जो नंबर प्लेट सर मिली है वो कहाँ की है, यूपी की है, उत्तराखंड की है या पंजाब की है, किस प्रकार से लोग लाते थे? उसमें जो नंबर प्लेट मिली है उसमें विभिन्न राज्यों के नंबर है, उसको हम लोग अभी उसको पता कर रहे हैं, वो फर्जी नंबर प्लेट है। ये अभी सील किया गया है, जो इनकी गाड़ी में मिला है नंबर प्लेट। ये जहाँ भी जाते थे इस तरह के फर्जी नंबर प्लेट लगा देते थे ताकि पुलिस के नज़र में ना आए, और ये काफ़ी दिन से काम कर रहे थे, पहली बार गिरफ्त में आए हैं। और ये अगर आप देखा जाए तो इनके पास से जो कैश बरामद हुआ है 1,31,000 से ज़्यादा का है, 10 पेटी अवैध शराब मिली है। तो इनका ये धंधा चल रहा था और इस धंधे के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आबकारी राजस्व का हानि कर रहे थे, लगातार हानि कर रहे थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।